का यस आप सबके मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे JBL मिनी स्पीकर जो है। आज हम इसके बारे में अनबॉक्सिंग की बात करेंगे और इसकी फिनिशिंग और साउंड क्वालिटी कैसी है इसकी बात करेंगे और इसके बॉक्स पे क्या क्या मेंशन किया गया वो हम देखेंगे, जो सही में लिखा हुआ वो सही है या नहीं है सभी चेक करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ब्लू कलर मंगवाया है, तो देखते हैं इसका अनबॉक्सिंग और इसकी प्राइस मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है और इसको ऑर्डर करना है तो आप उस नंबर पर कॉल कर दीजिए और व्हाट्सएप कीजिए, ये ऑर्डर हो जाएगा आपका ऑनलाइन एडवांस पेमेंट और ऑनलाइन पेमेंट पे। तो चलिए अब इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। बैटरी बैकअप इसका साइड में देखते हैं क्या है। इस साइड में है कलर अवेलेबल, मैंने यहाँ पर ब्लू कलर कलर मंगवाया तो इसलिए यहाँ पर ब्लू है, ठीक है। और साइड में तो पिक्चर है और ऊपर की ओर ईयर दिख रहा है और पीछे की ओर देखे तो ब्लूटूथ स्पीकर है वो, इसमें एक आएगा वन स्पीकर और केबल। देखते हैं क्या क्या अंदर है। मैन्युफैक्चरिंग डेट है यहाँ पर सितंबर 2020 और MRP 2499 जो सही है। इसमें गलत बताई गई है तो मैं आपको लास्ट में बताऊँ इस प्राइस क्या है। और मैन्युफैक्चर्ड बाय JBL हारमोन, मेड इन USA, ये चाइना का मॉडल नहीं है। तो यहाँ पर और कुछ लिखा हुआ हाई स्पीड स्पीड ब्लूटूथ अल्ट्रा डीप बस HD कोल्ड एंड फ्री है और लॉन्ग बैटरी वाइड और फ्लैश। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। चलिए इसको पढ़ते हैं। तो देखते हैं छोटा सा नैनो वायरलेस स्पीकर जिसकी साइज बहुत ही कम है, सबसे छोटा वाला है नैनो, देख सकते हैं। एक स्पीकर है इसमें और अंदर कुछ नहीं है। तो पीछे लिखा गया था इसमें वन केबल और वन स्पीकर, यहाँ पर तो वन स्पीकर ही है सिर्फ। आप देख सकते हो साइज कितनी है। फिनिशिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छा है इसका फिनिशिंग, देख सकते हैं कलर भी इतना अच्छा है। और यह चार्जिंग पॉइंट है, चार्जिंग पॉइंट देख सकते हो यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट है इसका, जो एंड्रॉइड केबल का ही चार्जिंग है, इसमें आसानी से हो जाता है। इसमें अभी ऑन हो गया तो हम इसे कनेक्ट करके देखते हैं और इसकी साउंड क्वालिटी देखते हैं। तो चलिए अब हम इनके कनेक्ट करते हैं। इनके नाम के कनेक्ट हो गया है, स्पीकर नाम है इनकी कनेक्ट हो गया, तो हम इसे बजा के देखते हैं कैसा बनता है। Thank you.
पीछे की ओर आप दो बार टैप करेंगे तो म्यूजिक पुश हो जाएगा, और फिर से ऑन करने के लिए, म्यूजिक चालू करने के लिए दो बार बेस करने का होगा। हो गया ये प्रेस। तो इसकी साउंड क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छा है, इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसमें ओरिजिनल वाली तो फीलिंग तो नहीं आएगी, इसलिए ये काफ़ी तगड़ा है। छोटा है लेकिन साउंड क्वालिटी में बड़ा अच्छा है। इसकी साइज इतनी छोटी कि हम जेब में रख कर भी हम कहीं। तो चलिए अगले वीडियो में हम